आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं तो बिल्कुल मस्त हूँ। और आज मैं आई हुई हूँ अपने मायके में, आप देख सकते हो। अभी जो टाइम हो रखा है सुबह के 7 बज रखे हैं, तो 7 बजे मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ यहाँ पे। और अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से हल्द्वानी को, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है 9 बजे। और अभी मॉर्निंग से मैंने खाना वाना बना लिया, ब्रेकफास्ट वगैरह मतलब सब्जी मेरे हस्बैंड ने बनाई है और रोटी मैंने बनाई, बाकी मम्मी ने घर का और सारा काम किया। तो अभी ऑलमोस्ट मैं रेडी भी हो चुकी हूँ, तो अभी 8:15 हम लोग यहाँ से निकलेंगे 8:15, ताकि हम 8:30-9 बजे तक हल्द्वानी पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं अपने मायके का व्यू थोड़ा आपको दिखाऊंगी, चलो चलते हैं बाहर के मौसम का आनंद लेते हैं। आ जाओ बॉगी, ये है मेरा बॉगी। बॉगी ये सुमित भाई है और ये हमारा लियो। लियो लियो हम जा रहे हैं, चलो लियो नाम है इसका। उधर रहो उधर रहो उधर रहो, कपड़े खराब हो जाएंगे मेरे, हटो। सॉरी, ये अच्छी है हमारी, ये हमारी गुन्नू है। गुन्नू गुन्नू भाग गई, गुन्नू भाग गई यहाँ से अंदर। और यहाँ पे है कमल सिंह जीना, से हाय। हम आपको ले चलते हैं बाहर, बाहर का मौसम कुछ इस तरीके का है। कितना सुहावना मौसम हो रखा है, आप खुद देख सकते हो। ये हमारा लियो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, आ जा। तो ये आ गई है हल्की हल्की सुबह की धूप। और ये हमारे 2 जाबाज हैं, 1 और 2। इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सबसे प्यारा डॉग है मेरा ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत समझदार भी है। ये तो ऐसे ही है, ये घूमता रहता है गधा। इधर आ जा लियो, लियो ऊपर मत चढ़ना, कपड़े गंदे हो जाएंगे। और ये हमारे वहाँ का मौसम है, अभी खेत पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं, इस पे धान की फसल लगाई जाती है यहाँ पे, तो अभी धान पूरे कट चुके हैं, तो अभी पूरी तरीके से खेत भी खाली हो चुके हैं। और जो बच्चे हैं आगे वहाँ पे मैच खेलने के लिए आते हैं नीचे, कुछ वहाँ पे नीचे वाला एक फील्ड है तो वहाँ पे मैच खेलने आते हैं। बाकी ऊपर से हमारी रोड है, जो कि मैंने पहले भी अपने ब्लॉग में आपको दिखाया था। ये हमारा गाँव है और यहाँ पे पेड़ ज़्यादा होने के कारण आपको यहाँ पे घर तो दिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, घर तो बहुत हैं, बट आप लोगों को ऐसा लगेगा कि यहाँ घर ही नहीं है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, एक घर तो ये है हमारे पास में ही, और एक जस्ट यहाँ पे भी है पेड़ों के बीच में, और एक यहाँ पे हमारा ही घर हो गया, ठीक है। ये हमारा घर है, ये हमारा घर हो गया। और ये सामने जो आपको दिख रहा है ना, ये हमारा जानवरों का है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो गाय है और जो हमारी बकरी है और कुछ हमारे पास मुर्गियाँ भी हैं, तो वहाँ पे रहती हैं। और यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर फूल भी हो रखे हैं, आप देख सकते हो, बहुत सुंदर सुंदर फूल मम्मी ने लगा रखे हैं। बाकी कुत्तों का तो हमारा यहाँ पे बस पूछो मत, ये हमारे चलते रहते हैं, क्योंकि घर पे लोग हमारे मम्मी और पापा ही हैं, तो हमें हमारे जो कुत्ते हैं वही घर की रखवाली करते हैं, तो ये है। बाकी अभी मैं आपको ले चलती हूँ अपने गौशाले की तरफ, ये हमारा है गौशाला। हे चलो आओ, ये हमारी बकरी का बच्चा है जो कि आजकल हो रखा है, ये इसका बच्चा है। तो बकरी अभी हमने पाली हुई है। और एक हमारा ये भैंस का बच्चा है, भैंस तो नहीं है बट ये भैंस का बच्चा है, जिसको थोड़ी बोलते हैं हमारे वहाँ। एक हमारी गैया है और गाय की बच्ची है, ठीक है। तो 3 ही जानवर हैं हमारे वहाँ, क्योंकि मम्मी अकेली है तो 3 जानवर भी काफ़ी होते हैं। तो अभी ये लोग घास खा रहे हैं, बाकी मम्मी ने घास का भी बैकअप बना के यहाँ पे रखा है, आप देख सकते हो, ये बैकअप है घास का। और अब आपको ले चलते हैं, ये हमारी बकरी का गोट है और ये है हमारे भैंस का। और इसके जो ऊपर वाला फ्लोर है, ये हमारा मतलब ऐसे, क्योंकि हमारा प्याज लहसुन ज़्यादा होता है तो स्टोर करने के लिए है। बाकी ये कुछ हमारे यहाँ पे बकरियाँ भी हैं, ये हमारी बकरियाँ हैं। और वो हमारा जो मुर्गा है ना, काटने लाए मुझे, ये जो मुर्गा आपको दिख रहा है ये पीछे पड़ जाता है, और माय गॉड, ए आजा, वो दिख रहा है मुझे, देखिएगा, और ये खाली बहाने से मेरे पास आएगा और ऐसे काटता है ना, माय गॉड, ये पीछे पड़ जाता है। इससे मम्मी बहुत डरती है, मतलब हम जब भी गोट में आते हैं, मतलब इधर गाय की गोट आते हैं, तो डंडा हमारे पास हमेशा होता है, क्योंकि ये पीछे पड़ जाता है हमारे। और ये लेडीज़ के तो खासकर पता नहीं क्या बात है, ये हमारे पीछे पड़ जाता है, ये इसके वाले। और यहाँ पे हमारे मुर्गा है अदरक, ये पूरी अदरक हो रही है उधर तक लास्ट तक, मतलब ये
ये पूरी यहाँ पे अदरक पड़ी है और आप देख सकते हमारे डॉगी भी हमारे साथ साथ जहाँ जाते हैं यहाँ एक ही है और एक इनका यही है कि पूरे दिन ऐसे घूमते हैं। ये हमारा होगा और यहाँ पे बकरी ऊपर चढ़ चुकी है। चलो आयो आयो चलो भाई अब हम चलते हैं। चलो आप चलते हैं आ जाओ आ जा लियो आ जा तो अब हम चलते हैं घर को क्योंकि अभी लेट भी हो रहा है ना निकल रहा है। मेरी बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत सुंदर बच्ची है यार ये। आ जाओ मुझे बहुत पसंद है, कितनी सुंदर हो रही है देखो। बहुत छोटी है, एक साल की नहीं है। हाँ एक साल की है, एक साल की है, बहुत बनी है। और कोई तो मैं बताना मुर्गा पीछे मुझे आना डंडी होता है ऐसे आते करने आते आते हैं चुकेगा कुछ नहीं लेकिन ऐसा ये करेगा कि मैं खा रहा हूँ और सबसे मेरे पास आ जाएगा ठीक है और काटने बहुत पता नहीं होगा। चलो भागो 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 आ जाओ मांगी तो हाँ बाप रे मुर्गा पीछे पड़ गया। चलो भाई चल चलो चले फिर जैसे वीडियो बना रही देख रूम हमारा इधर ही है, यहाँ भी सब फैला हुआ है। अभी तक लोग सो के उठे थे तो बिस्तर भी नहीं उठाया हुआ है और हाँ एक यहाँ भी सोया था कोई नीचे बिस्तर लगा के तो ये वाला बिस्तर भी अभी नहीं उठा। तो इस बिस्तर में जो सोया था वो अभी तक हल्द्वानी भी पहुँच चुका है। सुबह 7:30 बजे ही हल्द्वानी पहुँच गया है। तो चलो और एक और रूम है हमारा जो यहाँ से अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा है। आप इसको आपको बाद में दिखाऊंगी और ऊपर भी है इसे। चलो छत पर लेके चलती हूँ आज आपको। तो फ्रेंड्स अभी हम निकल चुके हैं हल्द्वानी की तरफ और यहाँ पे अभी भी धान नहीं कटे हैं। अभी हम लोग निकल चुके हैं घर से, हमने टीका वीका भी लगा दिया बढ़िया से और कुछ पैसे वैसे भी मिल गए घर से, मज़ा आ गया। चलो अब चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर फूल और हरियाली कितनी ज़्यादा है और ये कुछ गेंदे के फूल भी हैं यहाँ पे लगे हुए
क्योंकि दिवाली में हमारे यहाँ लगाते हैं ना, और यहाँ से माला वाला बनके हलवानी मार्केट जाता है। हमारे जो भी हलवानी के लोग हैं या बाहर के लोग हैं, लोग हमारे यहाँ की फूल की माला यूज़ करते हैं। बहुत फूल होते हैं यहाँ पे, हर खेत में फूल मिलते हैं। और अभी निकलते निकलते हमें 8:30 हो गए, 8:30 बज गए, तो वही 9:10 तक हम लोग हल्द्वानी पहुँच जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता यहाँ पर। चढ़ाई है, थकानी भी हो रही है, लोग भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। हाँ हाँ, थोड़ा 900 कुछ, नहीं तो पूरा मैं उसमें जाके देखती हूँ। कितना काय में देखता है तू? तुम्हें टोटल दिखाता है ना? लोग मेरी वीडियो को पसंद नहीं कर रहे हैं ना, इसीलिए तो पूरा पूरा देखते ही नहीं है कोई। तो देख लो दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देखेगा स्किप मत करना यार, देखो क्योंकि सब्सक्राइबर भी बढ़ाने हैं। कितने? नहीं यार, क्या दिखाते रहा। यहाँ पे हम अपने पहुंच चुके हैं स्टॉप में, एटीट्यूड में है बंदा। चलो भाई, हमारी धन्नो स्टार्ट हो गई है और हम ट्रिपलिंग करेंगे आज, 3-3 जने। चले चल बैठ, और मेरे लिए जगह होगी भी नहीं होगी, इतनी सी जगह बची है। वाई और फंस जाऊंगी। और हम यहाँ से निकल चुके हैं। सोने सोने वे माई मेरा कितने